हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैम का वेट हो रहा था। कोई नहीं, क्लास स्टार्ट कर दी हमने। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो, वेट कर रहे हो तो फिर हम जल्दी से एक फैंटेस्टिक क्लास स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सी जोरदार दमदार क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से शेयर करें क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक पीजीआई रोहतक ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है, तो उसके बारे में बहुत जल्दी वेट करा है, जल्दी आ गए। कोई नहीं, तो जल्दी से शेयर कर दो क्लास को ताकि जो इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को वो मिस हो जाएगी, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग। तो पीजीआई रोहतक ने आज ही आफ्टरनून में एक नोटिस निकाला है, बच्चों के पास मैसेज आया है, तो वो सब बोल रहे हैं कि वो क्या है क्या है। तो वहां पे नोटिस में क्या बोला गया है बता देते हैं कि वहां पे, तो अगर हम बात करें वहां पे नोटिस में क्या बोला गया, ध्यान से देखना सुनना, दो मिनट डिस्कस करेंगे क्लास से पहले। तो आपका वहां पे सिलेबस के बारे में डिस्कस करा है, तो मैं एक बार से दोबारा से बता देती हूँ कि पीजीआई रोहतक का सिलेबस क्या रहने वाला है आप लोगों का। तो पीजीआई रोहतक की अगर हम बात करें, पीजीआई रोहतक जो आपका डीएमईआर का एग्जाम है, कब है? 17 अप्रैल को, अभी कमिंग 17 अप्रैल को। तो अगर यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या होने वाला है, जो आपकी ऑल ओवर जीके है, जो आपकी पूरी जीके है, करंट जीके है, वहां से रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और हिंदी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे करंट जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इसके टोटल, इन पांच सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से आपके अच्छे खासे 10 क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करें एचआर जीके की, हरियाणा जीके की, तो आपके आएंगे 23 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें नर्सिंग सब्जेक्ट की, तो वहां से आपके आएंगे 45 क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम पेपर ऑनलाइन मोड पे होगा या डीएमआर पे, तो 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपका डीएमआर का, वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर आपका ओएमआर सीट बेस पे होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला है, ये पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होने वाला है। और सेंटर आपके आपको रोहतक में ही मिलेंगे। और एडमिट कार्ड इसका कब आने वाला है, तो अगर हम बात करें इसके एडमिट कार्ड की, तो आपका एडमिट कार्ड 13 अप्रैल को रिलीज हो जाएंगे। इसके एडमिट कार्ड 13 तारीख को रिलीज हो जाएंगे, तो आप 13 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डीएमआर के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। और अगर बात करें 15 और 16 को, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप पंडित भगवत यूनिवर्सिटी में जो पीजीआई रोहतक में, वहां पे जाके अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं वहां से। और 17 को आपका एग्जाम रहेगा। और अगर बात करें आंसर की, तो सेम डेट पे 17 को इवनिंग तक आपके वहां पे आंसर की आ जाएगी। और आंसर की 18 से आपका जो आंसर, जिस भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रहेगा, आप ऑब्जेक्शन अपलोड कर सकते हैं 18 को। और 23 अप्रैल को रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाली है, बहुत ही अच्छा गोल्डन चांसेस है, जिसको भी जॉब चाहिए हरियाणा में, पीजीआई रोहतक में, डीएमएआर में, तो इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका 23 अप्रैल को विद इन 1 वीक, मतलब विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। तो सोच सकते हो कितनी फास्ट प्रोसेस रहेगी, और आपकी ज्वाइनिंग भी विद इन 1 मंथ हो जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आज डीएमआर ने अपने ऑफिशियल पेज पे डाली हुई है, वहां पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों का एक आइडिया लग गया होगा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपके माइंड में। तो अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। चलें, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और क्लास थोड़ी फास्ट चलेगी, तो थोड़ा सा ज्यादा से
जल्दी जल्दी क्लास को रहे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि अभी ओनली 1 वीक 7-8 डेज है हमारे पास, तो ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। हाँ, सेम ही सेल्फी होती है। चले फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पॉजिटिव रिएक्शन टू मोंटोक्स इंडिकेट दैट की, अगर मोंटोक्स से क्वेश्चन क्या है हमारा ध्यान से देखे, ए पॉजिटिव रिएक्शन टू मोंटोक्स इंडिकेट दैट की, अगर किसी पेशेंट को मोंटोक टेस्ट हम करते हैं किसके लिए करते हैं, टू स्क्रीनिंग द ट्यूबरक्लोसिस। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं है अर्जुन एम्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर का जो मोड है वो ऑफलाइन मोड है, ओएमआर सीट पे गोले भरने हैं। क्लियर है अभी? जल्दी से फटाफट आंसर्स करें। ए पॉजिटिव रिएक्शन टू मोंटोक्स टेस्ट इंडिकेट दैट की, अगर मोंटोक्स टेस्ट की पॉजिटिव रिएक्शन आ रही है तो टेस्ट क्या इंडिकेट करता है बताइए। मदर लेबर के लिए रेडी नहीं, रेडी है या नहीं,
टू चेक द प्रोसेस ऑफ लेबर हम कौन क्या स्कोर करते हैं यहाँ पे रिसोर्स स्कोर करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे कि सर्वाइकल कंसिस्टेंसी इज अ कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स सर्वाइकल डायलेशन पोजिशन ऑफ द हेड एंड स्टेशन ऑफ द हेड. फर्स्ट के बेटा आज तुम क्यों क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्या हो गया? अभी तो मैम क्लास स्टार्ट हुई है, क्लास को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार. बहुत ही मजा आने वाला, अभी तो क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है, क्लास को शेयर करें. सी पोजीशन ऑफ द हेड, पोजीशन ऑफ द हेड हम यहाँ पे चेक करते हैं या फिर स्टेशन ऑफ द हेड. अरे बिशोप स्कोर में हम स्टेशन ऑफ द हेड चेक नहीं करते, पोजीशन चेक करते हैं वहां पे. कहां से पढ़ लिया सारे सी सी, पोजीशन चेक नहीं करते कि पेशेंट की कौन सी पोजीशन है, जल्दी बताओ, स्टेशन चेक करते हैं. अरे वेरी गुड, सही बात है, बिल्कुल पोजीशन ऑफ द हेड हम इसमें चेक नहीं करते, स्टेशन ऑफ द हेड चेक करते हैं, सर्वाइकल डायलेशन एंड सर्वाइकल कंसिस्टेंसी. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं. राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, तो राइट आंसर सी होगा, मतलब पोजीशन ऑफ द हेड हम बिशोप स्कोर के अंडर में चेक नहीं करते. बिशोप स्कोर हम क्यों चेक करते हैं, टू चेक द रेडीनेस ऑफ द मदर फॉर लेबर, कि जो मदर है जो लेबर में है वो रेडी है कि नहीं डिलीवरी कंडक्ट करवाने के लिए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ करते हैं, चलिए. SLE is a disease of, सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन है, थोड़े स्पीड से आंसर्स करें. SLE सिस्टमैटिक ल्यूपस, सिस्टमैटिक ल्यूपस अर्थमैटिक, कौन सी SLE डिजीज होती है, SLE डिजीज है वो कौन से सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट करती है? मेनली हमारे बोन को, इरेक्ट्रोसाइट्स को, कनेक्टिव टिश्यू और जॉइंट्स को. SLE बच्चे बहुत बोले हैं, अच्छा बोले का जमाना नहीं है, क्लास को शेयर करो, मजा आने वाला है आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा. तो वेरी गुड वेरी गुड, जो सबसे ज्यादा जो मेजर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट मेजर इन अवर बॉडी और इन सिस्टमेटिक लिपस एथमेटिक्स की डिजीज में सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू इफेक्टेड होते हैं, सबसे ज्यादा. वेरी गुड, ऑटो इम्यून डिजीज है जो इफेक्ट करती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू को. राइट आंसर सी. अरे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू द, तो हमारे हार्ट में कुछ साउंड सुनाई देती है, हार्ट साउंड सुनाई देती है, तो सेकंड जो हार्ट साउंड सुनाई देती है वो किसकी वजह से सुनाई देती है? ड्यू टू द एओर्टिक वॉल. तो हार्ट साउंड कब सुनाई देती है? जब हमारे हार्ट के जो वॉल प्रेजेंट होते हैं, जब वो क्लोज होते हैं, तो उसकी वजह से जो साउंड आती है उसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड. और सेकेंड हार्ट साउंड किस में सुनाई देती है? एओर्टिक वॉल, मिट्रल वॉल, ट्राइकप्सिड वॉल और फोरामेन वॉल. सी सी ट्राइकप्सिड, वाह वाह, मतलब एओर्टिक, एओर्टिक वॉल, मिट्रल वॉल, ट्राइकप्सिड वॉल, फोरामेन. सेकेंड हार्ट साउंड ट्राइकप्सिड वाले, फर्स्ट हार्ट साउंड नहीं पूछा हमने, सेकेंड हार्ट साउंड सुना है. सेकेंड हार्ट साउंड डब होती है, लब और डब हार्ट साउंड. हाँ हाँ हाँ, बताइए क्या होगा राइट आंसर? ए ए ए आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड. तो एओर्टिक वाल हमारा जो क्लोज होता है, एओर्टिक वाल जो हमारा एओर्टिक वाल कहाँ प्रेजेंट होता है? जो राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो हमारा एओर्टा होता है जो ब्लड लेके जाता है वहां पे हमारा जो एओर्टिक वाल प्रेजेंट होता है. नहीं पूछा था के यादव, उसमें नहीं पूछा था, एक्सेप्ट करके पूछा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना वहां पे. एओर्टिक वाल, एओर्टिक वाल, तो एओर्टिक वाल की अगर हम बात करें तो उसके क्लोज होने से सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है. और सेमी लूनर वाल जो होता है हमारा, ऐसे वॉल होता है, उसके क्लोज होने से फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है. तो अभी भी टाइम है, अभी भी पढ़ लेना, मेडिकल सर्जिकल के एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान दे ताकि आप बोलोगे बाद में बेसिक क्वेश्चंस भी गलत हो गए. वेरी गुड इवनिंग प्रियांशी कुमार यादव. चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपीट हो गया क्या, सॉरी, सिक्स सेवन. चलिए क्वेश्चन क्या है, ए 48 इयर्स ओल्ड वुमन प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल कंप्लेनिंग ऑफ द चेस्ट पेन. ए 48 ईयर वुमन प्रेजेंट एट द हॉस्पिटल कंप्लेनिंग कर रही है इसकी चेस्ट
पेन की सी इज कंप्लेनिंग कि उसको क्या है, चेस्ट पेन है, और टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है वहां पे, एंड डिजनिया देखने को मिल रहा है, ऑन एग्जाम हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई मिल रही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड सपोर्ट ए डायग्नोस ऑफ द कार्डियक कंपोनेंट। एक 48 ईयर की फीमेल है जो कि एडमिटेड है आपके वहां पे, आई है और सी इज कंप्लेनिंग अबाउट द चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया, डिजनिया। जब हमने एग्जामिनेशन करके देखा तो कौन सी हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, मफल हार्ट साउंड, एंड सी इज द डायग्नोसिस फॉर द, तो कौन सी फाइंडिंग यू कैन से दैट फॉर कार्डियक टैम्पोनेट के लिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से फास्ट रिप्लाई करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें। तो बताइए कि एक डायरेक्टेड ट्रैक किया, अब्सेंट ब्रेथ साउंड टू द लोअर लोब्स, पल्स 40 विद इंस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर 140/80। गैलोप साउंड, क्या बात बी बी बी। अरे क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मजा आने वाला है, बहुत ही क्लास फैंटास्टिक होने वाला। तो बी आप बोल रहे हैं कि मतलब, तो यहाँ पे आप साइन सिम्टम्स देख ले, जो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन होता है उसमें जो हमारा पेरिकार्डियल फ्लूड होता है वो ज्यादा हो जाता है, पेरिकार्डियल स्पेस होता है वहां पे, जो फ्लूड होता है उसकी अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट के पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, टैकीकार्डिया होगा, और वहां पे क्या सुनने को मिलेगा, मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देगी। लेकिन इस पेशेंट में क्या होता है, और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट में। डायलेटेड ट्रेकिया इसमें नहीं देखने को मिलती, डायलेटेड ट्रेकिया आर नॉट सीन इन द कार्डियक टेम्पोनेट, एंड अब्सेंट ब्रीथ साउंड इन लोअर लोब्स, ये आपके न्यूमोथोरैक्स में देखने को मिल सकती है। अब्सेंट ब्रीथ साउंड आर सीन इन द न्यूमोथोरैक्स, और यहाँ पे क्या होगा, पल्स अगर 40 विद द इंस्पिरेशन, पल्स 40 विद द इंस्पिरेशन आर सीन इन द कार्डियक टेम्पोनेट, व्हिच फाइंडिंग वुड सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। सेकंड जो ऑप्शन कर रहे हो, दिस इज सीन इन द न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में अब्सेंट ब्रीथ साउंड सुनाई देने को मिलती है। और जब प्लूरल इफ्यूजन में प्लूरल फ्लूड मोर देन 250 ml हो जाए तो वहां पे क्या होगा, ट्रेकिया डायलेटेड देखने को मिलेगी। जब आपका प्लूरल फ्लूड मोर देन 250 ml हो जाता है तो ट्रेकिया डायलेटेड देखने को मिलेगी। तो कौन सा साइन हेल्प करेगा हमें टू डायग्नोस द कार्डियक टेम्पोनेट, पल्स 40 विद द इंस्पिरेशन। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कॉजिंग द रीनल कैलकुलाई, तो इनमें से जो विच कंडीशन कैन कॉज रीनल कैलकुलाई, मेडिकल सर्जिकल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे एकदम सिंपल बेसिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पीजीआई में। तो बताइए इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कॉज द रीनल कैलकुलाई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल ट्यूमर, हाइपर पैराथायरायडिज्म एंड हाइपरटेंशन। थोड़ा स्पीड से आंसर्स कर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग पिप्पी पिप्पी। चलो बताइए, क्लास को शेयर करो यार, क्या कर रहे हो तो जल्दी बताइए आंसर्स। हाइपर पैराथायरायडिज्म, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, हमारे ब्लड में, मैं थोड़ा सुपरफास्ट करूंगी, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। जब पैराथायराइड ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वहां पे क्या होगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म, और हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या कोज करेगी, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करेगी, और वहां पे क्या देखने को मिलेगा, तो ड्यू टू द हाइपरथायरायडिज्म रीनल कैलकुलाई देखने को मिलेगा। इस पेशेंट पे आप क्या नर्सिंग एजुकेशन दे सकते हो, तो यू हैव टू एजुकेट द पेशेंट की यू हैव टू कंज्यूम टेक द लोट ऑफ वाटर्स, आपको लिक्विड फ्लूड की अमाउंट बढ़ा देनी है, लिक्विड फ्लूड की अमाउंट बढ़ा देनी है। तो राइट आंसर होगा सी। वेरी गुड इवनिंग सरिता जाबर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग व्हिच द साइड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे फार्माकोलॉजी से। देखो हाँ, फार्मा, एक बार पीजीआई का सिलेबस देखना, वहां पे फार्मा है, मेडसर्च है आपकी, फार्माकोलॉजी, मेडसर्च, साइकोलॉजी, साइकेट्री, चाइल्ड हेल्थ, नर्सिंग, ओबीजी और कम्युनिटी, ये सब्जेक्ट वहां पे इंक्लूड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फार्मा से एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लास को शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द फर्स्ट लाइन टू एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है, ये क्या करती है हमारी 10th, वेरी गुड। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द फर्स्ट लाइन टू एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, जो हम डोर्स थेरेपी के अंडर में फर्स्ट लाइन ड्रग्स देखते हैं,
देखते हैं पाइराजिनामाइड आइसो आइसोनियाजाइड रिफामपिसिन और एथाम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या क्या करती है, हमारी एक क्रैनियल नर्व को डैमेज करती है और क्या कॉज करती है, ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है पेशेंट में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कौन से डिजीज कॉज हो सकती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कौन से डिजीज कॉज हो सकती है। हर्पिस सिंप्लेक्स, वॉर्म्स, हर्पिस जोस्टर एंड पाइसोरेसिस। तो हर्पिस सिंप्लेक्स से हाँ, SRZS बिल्कुल फर्स्ट लाइन ड्रग होती है और अमिकासिन, लिवोफ्लॉक्सिन और नॉरफ्लॉक्सिन दिस आर द सेकंड लाइन ड्रग बिल्कुल। अरे बताइए जल्दी से, फास्ट रिप्लाई करो भाई जल्दी से, 41 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं हमें जल्दी से क्लास में। ऑटोटॉक्सिके तो नेम ऑफ द डिजीज दैट कॉज बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सेकंड। हां मुझे पता था वॉर्म्स, हर्पिस सिंप्लेक्स वाले, जल्दी बताइए। ए वाले अशोक पूजा सिर्फा, ए वाले ए पे मत जाओ, ए पे मत जाओ। हर्पिस सिंप्लेक्स दिख गया तो बस यहाँ पे राइट आंसर दो बच्चों ने दिया था, पहले वाले सेकंड, वेरी गुड। अरे हर्पिस सिंप्लेक्स क्या होता है भाई, हर्पिस सिंप्लेक्स क्या होता है, बिल्कुल अंजलि मेहरा, सी जस्ट वायरस। अरे यहाँ पे अगर हम बात करें कि नेम ऑफ द डिजीज दैट इज कॉज बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा वॉर्म्स। ये राइट आंसर होगा आपका, जो पीजीआई ने जो आंसर माना था, पीजीआई ने जो राइट आंसर माना था, आंसर की रिलीज हो जाती है सेम डे, आंसर की रिलीज हो जाती है। राइट आंसर माना था बी, राइट आंसर माना था बी वॉर्म्स। ह्यूमन पैपिलोमा कौन से डिजीज कॉज करता है, वॉर्म्स कॉज करता है। राइट आंसर डी होगा आपका, क्या आप बी ए पे फंसे हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ह्यूमन पैपिलोमा क्या कॉज करता है, अगर अभी क्वेश्चन रिपीट हो तो क्या लगा क्या हुआ, वॉर्म्स कॉज करता है, ठीक है याद रखना। हाँ बिल्कुल जेनिटल वॉर्म्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड। कौन सा हार्मोन मॉडिफाइड अमीनो एसिड होता है, क्लास को यार शेयर करो, विच हार्मोन इज द मॉडिफाइड अमीनो एसिड। मजा नहीं आ रहा, क्लास को शेयर करें। एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एस्ट्रोजन। ध्यान रखना कम्युनिटी से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव को अच्छे से पढ़ लेना। तो विच हार्मोन इज द मॉडिफाइड अमीनो एसिड, कौन से हार्मोन को मॉडिफाइड अमीनो एसिड बोलोगे, सारे गलत, बी भी नहीं होगा, एपिनेफ्रिन हार्मोन को बोलते हैं। अरे एपिनेफ्रिन को मॉडिफाइड अमीनो एसिड बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन देके पीजीआई रोहतक आपको फंसाने वाला है, इस बार भी फंसाने वाला है और आप लोग फंसोगे क्योंकि आप लोग सिंपल चीजें नहीं पढ़ते हो, आप लोग बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हो। मॉडिफाइड अमीनो एसिड का आंसर कौन सा होता है, एपिनेफ्रिन, ए इज द राइट आंसर, एपिनेफ्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्पीड रहेगी यहाँ पे क्वेश्चन करवाने की। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द मेटास्टेसिस इन द ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, मेटास्टेसिस मतलब मेटास्टेसिस का मतलब स्प्रेड होने की मोस्ट कॉमन साइट, बताइए। यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन द ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में कि लंग्स, लीवर, बोन एंड ब्रेन, मोस्ट कॉमन साइट की बात करी है एपिनेफ्रिन। सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा, बोन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन द ब्रेस्ट कैंसर कौन सी होती है, बोन होती है, वेरी गुड। हाँ ये लीवर वाले मुझे पता है, लीवर देख के आप आंसर्स लगाएंगे, लंग्स देख के आप आंसर्स लगाएंगे, लेकिन याद रखना ब्रेस्ट में जो सबसे ज्यादा होती है मेटास्टेसिस, मोस्ट कॉमन पूछा है। अरे मोस्ट कॉमन वर्ड पे भी तो ध्यान दिया करो, मोस्ट कॉमन पूछा है, मोस्ट कॉमन बोन होती है, बोन, बी इज द राइट आंसर। अब भी सी कर रहे हो, अब भी लीवर लगा रहे हो आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज द, तो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर बताओ जल्दी से, नॉर्मल, हाँ बिल्कुल बोन होती है, ना कि ब्रेन, ना कि लीवर,
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन द ब्रेस्ट कैंसर इज द बोन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज लेस देन 20, लेस देन 20, मोर देन 20 एमएम ओएसजी, लेस देन 25 या मोर देन 25 एमएम ओएसजी। ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग है बट ऑप्शन वहां पे यही अवेलेबल थे। अगर आपको ऑप्शन ये मिल गए एग्जाम में तो वहां पे राइट आंसर क्या लगाएंगे, आप जल्दी से आंसर्स करें, फटाफट आंसर्स करें, बिल्कुल वेरी गुड। तो लेस देन कितना, लेस देन 20 एमएम ऑफ एचजी, वेरी गुड। लेस देन इंट्राओकुलर प्रेशर, जो हमारा आई का मॉनिटर करते हैं हम, इंट्राओकुलर प्रेशर, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। वैसे हाँ, 10 टू 20 एमएम ऑफ एचजी, ए टू 20, तो लेस देन 20 होना चाहिए, 20 एमएम ऑफ एचजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो राइट आंसर आपको ए लगाना है। चलिए, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी गेट इन्फेक्टेड इन द रेबीज, तो रेबीज जो इन्फेक्शन होता है, रेबीज, वेरी गुड इवनिंग सिमरन, रेबीज में क्या देखने को मिलता है, नेग्रीज बॉडी, नेग्रीज बॉडी के बेस में हम इसको डायग्नोस करते हैं, नेग्रीज बॉडी। तो कौन सा सिस्टम, विच सिस्टम आर अफेक्टेड इन द रेबीज, बताइए, कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल रेस्पिरेटरी, जीआई सिस्टम, विच सिस्टम आर अफेक्टेड इन द रेबीज के केस में, कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होता है। अरे थोड़ी फास्ट रिप्लाई करें भाई, क्लास को शेयर करें, मजे नहीं आ रहे क्या, इतने बच्चे क्लास देख रहे हैं, आप तो लाइक करो क्लास को। बी 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 बी, वेरी गुड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो सीएनएस है, सीएनएस है जो रेबीज होता है, जो किससे होता है, टू बाइट द इन्फेक्टेड एनिमल्स के काटने से होता है रेबीज, और ये मोस्ट कॉमनली कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है। बहुत सारे बच्चे इसमें इंटेस्टाइन लगा देते हैं, जीआई सिस्टम लगा देते हैं, बट याद रखना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा अफेक्टेड होता है, इसमें रेबीज बॉडी देखने को मिलती है। तो राइट आंसर होगा, वेरी गुड, बी, सही है भाई, बी आंसर। द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर द ऑक्सीजन इन द पेशेंट विद द सीओपीडी, तो अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी है तो कौन से बेस पे यू आर डिटरमाइन दैट कि द पेशेंट रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन, अगर कोई पेशेंट है सीओपीडी का तो इन विच बेस यू आर, कौन से बेस पे आप बोलोगे द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन इन द पेशेंट विद द सीओपीडी, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया था, तो स्टेट भी एम्स के टक्कर का हो सकता है यहाँ पे, बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सीओपीडी में पेशेंट के लंग्स में एक्सेसिव CO2 का रिटेंशन हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पे साइनोसिस देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, और इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस देखेंगे, ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, वेरी गुड, ब्लड गैस एनालिसिस, राइट आंसर डी होगा, एबीजी एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे हम यहाँ पे ऑक्सीजन देंगे कि हमें क्या देना है, वेंट्री मास्क से देनी है या फिर नेजल कैनुला से हमें ऑक्सीजन देनी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाइल साल्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द, तो बाइल साल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाइल साल्ट, ये है बाइल साल्ट, तो ये बाइल साल्ट है किससे प्रोड्यूस होता है, बाइल साल्ट से। ये पीजे मुझे ज्यादा डिजीज कंडीशन के बारे में नहीं पूछते, ये बेसिक चीजें पूछते हैं। तो बाइल साल्ट का प्रोडक्शन होता है वो कहां से होता है, कोलेस्ट्रॉल से, अमीनो एसिड से, ये अमीनो एसिड है आपका कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन या नन ऑफ अबाउट, जल्दी से बताइए, हाँ बिल्कुल, नेजल कैनुला और देते हैं 1 to 2 liter, बिल्कुल जल्दी बताइए, फास्ट रिप्लाई करें, हाँ जी बिल्कुल, जो बाइल साल्ट है वो किससे प्रोड्यूस होता है, वेरी गुड, किससे प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल से, राइट आंसर है। तो आप बोलोगे कि मैम इतने सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें भी आरती शर्मा रीतिका डी आंसर कर रहे हैं, आरती रीतिका डी आंसर नहीं होगा, बाइल साल्ट आर प्रोड्यूस बाय द कोलेस्ट्रॉल, हाँ जी इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीजीआई में आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि एसिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड ऑफ द स्किन, एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड, तो बच्चों में जो हम एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड देखने को मिलता है, एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड आर सीन इन विच डिजीज कंडीशन, मस्कुलोस्केलेटन का क्वेश्चन है, बताइए, हिप डिस्प्लेसमेंट, हिप फ्रैक्चर, फ्यूमर ऑफ फ्रैक्चर एंड ऑस्टियोमलाइटिस, क्लास को शेयर करें यार, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, एकदम लोग एक वीक बचा एग्जाम का, दिन रात एक कर दो, किसी को जल्दी से जॉब चाहिए तो पीजीआई चंडीगढ़ की प्रोसेस बहुत ही फास्ट होने वाली है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जल्दी से क्लास को लाइक करें, शेयर करें और फास्ट से रिप्लाई करें, वेरी गुड, क्या आंसर करें, डी डी
क्या होता है हिप डिस्प्लेशिया तो हमारी जो एसिटाबुलम कैविटी होती है उसमें हमारी फ्यूमर बोन का हेड फिट होता है। जब हमारी एसिटाबुलम कैविटी होती है उसमें जो फ्यूमर बोन होती है, हमारी लार्जेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, फ्यूमर बोन जो थाई में प्रेजेंट होती है, उसका जो हेड है वो कहाँ फिट होता है? एसिटाबुलम कैविटी में। लेकिन जब वहां पे वो लूज फिट होता है, प्रॉपर उसकी फिटिंग नहीं होती, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिप डिस्प्लेसमेंट। और एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड देखने को मिलता है बच्चे में, तो इसको हम किस में देखने को मिलते हैं? कब होगी? अभी अप्रैल मई में हो जाएगी, भी मई में करवा देगा आपकी ज्वाइनिंग। नेक्स्ट उसे बोले इन पेशेंट विद द रीनल फेलियर डाइट शुड बी, तो अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे बोला नहीं कि अक्यूट रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर, तो कौन सी डाइट देंगे हम? रीनल फेलियर वाले पेशेंट में बहुत पढ़ते हैं हम, जल्दी से बताइए विच डाइट यू आर प्रोवाइडिंग पेशेंट विद द रीनल फेलियर। तो भाई रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या होता है, हमारी किडनी मेनली हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखती है, लेकिन जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में सारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखना? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो हम वहां पे कैसे डाइट देंगे? वेरी गुड, लो प्रोटीन, लो सोडियम एंड लो पोटेशियम। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया देखने को मिलता है, लो प्रोटीन, लो सोडियम एंड लो पोटेशियम डाइट देंगे। अगर बात करें अक्यूट किडनी डिसऑर्डर है तो वहां पे 40 केजी पर डे दे सकते हैं प्रोटीन। अगर क्रोनिक है तो वहां पे 20 केजी पर डे आपको प्रोटीन देना है। तो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ग्लास्कोकोमा स्केल हैज ऑल एक्सेप्ट, तो जो आप जीसीएस स्केल पढ़ते हैं न्यूरो में, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हम क्या क्या चीज असिस्ट करते हैं? These things are assessed under the GCS score, verbal response, motor response, sensory impairing and eye opening. जल्दी से क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और थोड़ी स्पीड बढ़ाएं अपने आंसर देने की। वर्बल रिस्पॉन्स, तो आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ रखी होगी EVM, आई, वर्बल एंड मोटर, दीज थ्री सिम्टम्स आर चेकिंग इन द ग्लास्कोकोमा स्केल। तो सेंसरी इंपेयरमेंट हम इसमें चेक नहीं करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, इतनी स्पीड चाहिए आंसर्स की। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे सी। तो यहाँ पे कुछ समझाने का नहीं, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हो जैसे कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बढ़िया। विच फाइंडिंग इज द परसिस्टेंट विद द परनीशियस एनीमिया, तो परनीशियस एनीमिया में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है परनीशियस एनीमिया किसको हम बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। बताइए जो हमारी इंटेस्टाइन में टर्मिनल इलियम पे इंटेस्टिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? विटामिन बी12 को अब्सॉर्ब करते हैं। अगर इंटेंसिव फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई तो सिल्फा मिलारे, आई एम न्यू स्टूडेंट हियर, तो यू आर वेलकम डियर, यू आर वेलकम नर्सिंग एक्सपर्ट ड्यूटिलाइजेशन में आपका स्वागत है। बताइए, वेरी गुड वेरी गुड, बीफी रेड टन, वेरी गुड, क्या बात है। बीफी रेड टन इज द क्लासिकल साइन ऑफ द परनीशियस एनीमिया में, क्लासिकल साइन देखने को मिलता है। चले बीफी टन आपने बता दिया, तो बता दीजिए स्ट्रॉबेरी टन किस में देखने को मिलता है? मे बी एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ ले स्ट्रॉबेरी टन किस में देखने को मिला। वेरी गुड वेरी गुड, क्रिश्मस इंक्वासियो क्वास्क्यो डिजीज में वह पुरानी है। अच्छा कोई बात नहीं, पुरानी है तब भी स्वागत है, नए हो तो भी स्वागत है। तो स्ट्रॉबेरी टन आपका क्वास्क्यो डिजीज में देखने को मिलता है, जिसको हम म्यूकोकुटेनियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। एंड राइस वाटर स्टूल सीन इन द कोलेरा, बीफी रेड टन सीन इन द फर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूटरस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर द डिलीवरी, ओबीजी के क्वेश्चंस आ गए हैं। यूटरस बिकम द पेल्विक ऑर्गन आफ्टर डिलीवरी के बाद, तो नॉर्मल कंडीशन में नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यूटरस हमारा क्या होता है? पेल्विक ऑर्गन होता है जो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यूटरस बिकम द एब्डोमिनल ऑर्गन आफ्टर 12 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद जो यूटरस है वो एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। तो डिलीवरी होने के कितने टाइम के बाद जो यूटरस है वापस अपनी पेल्विक कैविटी में आ जाता है? तो बताइए, अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की बात करें तो यूटरस का वेट होता है 60 ग्राम और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 900 to 1000 ग्राम। वेरी गुड आंसर, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, मजा आ गया। 12 से 14 दिन, वेरी गुड, सही, एकदम सही आंसर। 12 से 14 दिन में यूटरस
वापिस से कहां आ जाता है? एब्डोमेन से पेल्विक कैविटी में आ जाता है। वेरी गुड, मोस्ट कर दिया आप लोगों ने, तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डेफिसेंटिवेशन इज कॉल्ड, अगर किसी पेशेंट में स्लाइवा की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ द स्लाइवा इज नोन एज द, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो सारे टर्म जो भी नॉर्मल है उनको भी पढ़ लेना, अबनॉर्मल चीजों को भी। तो डेफिशिएंसी ऑफ द स्लाइवेशन इज कॉल्ड एज द जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया, जीरोस्ट्रोमिया, पिटलिज, क्लाइजम एंड हैलो। बताइए जिसके पास पीआर यादव है वो पीआर यादव पढ़े अगर नर्सिंग पोर्शन के लिए, जिसके पास प्रीति अग्रवाल है वो प्रीति अग्रवाल पढ़े। दिस इज द सफिशिएंट फॉर द पीजे रोहतक। एनक्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, नो नीड फॉर टू रीड एनक्लेक्स, वहां जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें। पीआर यादव इज सफिशिएंट फॉर द पीजे रोहतक। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या आंसर कर रहे हैं? जीरोस्ट्रोमिया, क्या बात है भाई, आपने तो कमाल कर दिया, सब कुछ पता है मैम हमें, सिलेक्शन हमारा ही होगा। तो जीरोस्ट्रोमिया हम किसको बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ द स्लाइवेशन, अगर वहां पे स्लाइवा का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा किसी पेशेंट में, तो उसको जब हम काजू कतली देखते हैं तो हमारे मुंह से लार आने लग जाती है, अभी खाना है, अब उसको उसके सामने जी काजू कतली लाके रख दो, जी कलाकंद लाके रख दो, तो क्योंकि उसके वहां पे स्लाइवा का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? जीरोस्ट्रोमिया, राइट आंसर बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट विद द कैंसर ऑफ द लंग्स। तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर किसी पेशेंट को लंग्स का कैंसर है तो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट साइन इन द पेशेंट विद द लंग्स कैंसर। एग्जाम कब तक होगा, मतलब सिल्फा आपको ये नहीं पता, अभी कमिंग 17 को एग्जाम है। हाँ टारगेट आईडी पढ़ सकते हो, सिंपल है। अभी थ्योरी में नहीं जाना कृतिका राय, एट प्रेजेंट आपको ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, जस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। टारगेट है इसे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, पीआर यादव उठा के देखो सारे क्वेश्चन, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था 2019 में पीआर यादव से छापा था पूरा। चलिए क्वेश्चन बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, जिसके पास जो बुक है पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सीन विद द पेशेंट। वेरी गुड, डी आंसर क्या बता रहे हो? डी आंसर क्या अभी कि एयर हंगर, एक्सप्रेशन ऑफ डिज़निया, कफ विद द नाइट स्वेट एंड परसिस्टेंट चेंजिंग ऑफ द कफ। वेरी गुड, क्या देखने मिलेगा? द पेशेंट आर हैविंग ज्वाइनिंग दीपक, वेरी गुड, वेलकम। तो द पेशेंट आर हैविंग द लंग कैंसर, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? परसिस्टेंट चेंजिंग इन द कफ। वेरी गुड, डी आंसर। कोई बात नहीं, फिर ये क्या था तो कोई नहीं, आप वैसे पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज कहीं से भी मिले। ए पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ए पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस मे रिवील व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डाटा, मे रिवील व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डाटा, हेरिडन नोट्स मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट, एस्मेट्रिक ज्वाइंट स्वेलिंग एंड स्ट्रैंड नेक डिफॉर्मिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि क्या क्वेश्चन दिया है। अच्छा जी, ए पेशेंट विद द रूमेटॉइड आर्थराइटिस मे रिवील व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डाटा। अगर किसी बच्चे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाँ सब बेस्ट है, सब बेस्ट है, कि पेशेंट विद द रूमेटॉइड आर्थराइटिस मे रिवील व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डाटा, कौन सा असेसमेंट डाटा हुआ है, क्या बात है, मोज कर दी। तो ऊपर वाले तीन डाटा किसके है भाई? ऊपर वाले जो तीन डाटा है कि हैबिट एंड नोट्स एंड मॉर्निंग स्टिफनेस एंड एस्मेट्रिकल ज्वाइंट, ये सब किसमें देखने को मिलते हैं? ये तीनों साइन किसमें देखने को मिलते हैं बताइए? हाँ अमृतपाल को ए आंसर कर रहे हैं अभी भी। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी इज द राइट आंसर डी होगा। तो बताइए जो ऊपर वाले तीन साइन है वो किसमें देखने को मिलते हैं, वो सुनना है मुझे। ऊपर वाले तीन साइन है वो किसमें देखने को मिलते हैं? रूमेटिक अर्थराइटिस में मैम प्लीज कोई बुक का नाम बता दीजिए, पीजे के लिए प्रिया के बुक का नाम क्या है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बेसिक चीजें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी 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 इज द राइट आंसर। तो हैबिट एंड नोट्स और ये मॉर्निंग स्टिफनेस एस्मेट्रिकल फूड। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड गौरव। ऑस्टियोनाइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोनाइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस,
रूमेटिक अर्थराइटिस में ओनली क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे स्वैन नेम डिफॉर्मिटी और हैवेट में नोड्स ये क्या देखने को मिलेंगे आपके ऑस्टियो अर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ऑस्टियो अर्थराइटिस में राइट आंसर होगा आपका डी। क्लास को यार शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है फिटल हाइपोक्सिया इज असिस्ट बाय द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑस्टियो अर्थराइटिस। हाँ मैम की क्लास ले लो बस बेस्ट है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अंशु मैम की क्लास ले लो कोई नहीं सिलेक्शन करवा देंगे एक भी का डोंट वरी। फिटल हाइपोक्सिया इज असिस्ट बाय द तो फिटल में अगर हाइपोक्सिया हो रहा है किसी फिटस में हाइपोक्सिया हो रहा है तो आप वो कहां से क्लास देखो सिंपल है बिल्कुल सही बात है कि फिटल हाइपोक्सिया इज असिस्ट बाय द स्केल्पल ब्लड सैंपलिंग अल्फा फीटो प्रोटीन फिटल हीट मॉनिटरिंग एंड बोथ ए एंड सी। अरे जाए ना क्लास छोड़ के अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ओबीजी के क्वेश्चन सीएचएन के क्वेश्चन आएंगे जो टीटो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वेरी गुड बोथ ए एंड बी दोनों की स्कल्पल ब्लड सैंपलिंग और ए और बी ए और सी आंसर्स करें। हाँ ए और सी वेरी गुड। स्कल्पल ब्लड सैंपलिंग से भी हम पता लगा सकते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है कितना है तो उससे भी हमें हाइपोक्सिया के बारे में पता चल जाएगा और फिटल हार्ट बीट फिटल हार्ट मॉनिटर से भी हमें पता चल जाएगा। तो फिटल हाइपोक्सिया हम दोनों चीजों से पता लगा सकते हैं ब्लड सैंपलिंग से भी और फिटल हार्ट मॉनिटरिंग से। क्लास को शेयर करें क्या करें भग रहे हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच साइन इन मेनिंजियल इरिटेशन अकर इन ए चाइल्ड डायग्नोस विद द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो कौन सा साइन देखने को मिलता है मे बी हु आर विच साइन इन मेनिंजियल इरिटेशन अकर इन द चाइल्ड डायग्नोस विद द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जो बच्चा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से डायग्नोस हो गया उसमें क्या साइन देखने को मिलेगा मार्क इरिटेबिलिटी ओवरराइडिंग सुचर्स prominent scalp vein and depressed anterior fontanus. जल्दी से बताइए तो depressed anterior fontanus किस में देखने को मिलता है भाई depressed dehydration में prominent scalp vein hydrocephalus की condition में देखने को मिलती है और overriding of suture किस में देखने को मिलता है modeling में मतलब overriding of suture किस में आप पढ़ते होंगे लिखा है हार्ट है यार वो हार्ट है मिस्टेक हो गया होगा प्रिंटिंग मिस्टेक तो मार्क इरिटेबिलिटी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में मार्क इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा बच्चे में मार्क इरिटेबिलिटी ये डी वाले ना डी नहीं होगा यहाँ पे डिप्रेस फोंटेनस भाई डिहाइड्रेशन में देखने को मिलता है ये आपका हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलता है और ओवरराइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ सूचर किसमें जो मोल्डिंग हो जाती है बच्चे के हेड में उसमें देखने को मिलता है और यहाँ पे मार्क इरिटेबिलिटी देखने को मिलता है। पक्का लग रहा है फंसोगे आप पीजीआई फंसाएगा आप लोगों को। अरे अभी भी टाइम में एक वीक का सिंपल नर्सिंग पढ़ लो एकदम सिंपल नर्सिंग बेसिक आप नोर सेट में भी हाई फाइव पढ़ के गए थे नोर सेट ने भी आपकी कर दी वाह तो पीजीआई भी ऐसे करने वाला है एकदम सिंपल क्वेश्चन पढ़े अभी एक वीक है एक वीक में हो जाएगी तैयारी डोंट वरी डरना नहीं है लड़ना नहीं है डरना नहीं है भागना नहीं है बस लड़ना है डटे रहना है क्लास में लास्ट तक। चलो शेयर कर दो क्लास फोर नेक्स्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉइंटिस इन द न्यू बॉर्न विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ अगर किसी बच्चे को फर्स्ट 24 आवर्स की लाइफ में जॉइंटिस अगर हो रहा है फर्स्ट 24 आवर्स तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा सेप्टिसीमिया बाइलरी एट्रिशिया फिजियोलॉजिकल या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। जो फर्स्ट 24 आवर्स में जो जॉइंटिस होता है उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस और आफ्टर 24 आवर्स जो जॉइंटिस होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का मतलब किसी भी डिजीज की वजह से हो सकता है दिस इज द अबनॉर्मल कंडीशन और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस वेरी गुड पैथोलॉजिकल जॉइंटिस अगर ड्यू टू द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस की कंडीशन में देखने को मिलता है वेरी गुड राइट आंसर होगा आपका डी। थैंक यू सो मच। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं थोड़ी स्पीड बढ़ाएं क्वेश्चन की टाइमिंग मोनिका ए ए अब भी ए आंसर्स करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है ए प्रेग्नेंट वुमन डायग्नोसिस विद द सीवियर एनीमिया हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर कोई एक फीमेल है हाँ
हाँ बस बिल्कुल, जीके पढ़ लो, सारी प्रीवियस ईयर की क्लास देख लो। वेरी गुड इवनिंग। चलिए फिर, अगर कोई फीमेल है आपके पास आ गई, विजय रोहतक में आप बन गए नर्सिंग ऑफिसर, वो कहती है कि भाई अब आपके पास वहां पे तो हरियाणा की फीमेल मिलेगी, मोस्टली उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम नहीं मिलेगा, बट फिर भी मिल गया किसी का लेस देन 7, तो अगर आप वहां पे लेस देन 7 मिल गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे वहां पे आप, हम क्या करेंगे मैम, हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं मैम, हम सी करेंगे कि पैक सेल ट्रांसफ्यूजन। अच्छा जी, अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल क्या कर देंगे हम वहां पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, पैक सेल ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। अरे सीधा पैक सेल ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना, पहले क्या करना है क्रॉस मैचिंग करके देखना है, प्रेगनेंसी में कहीं उल्टा पुल्टा ब्लड चढ़ा दिया तो मदर और बच्चे दोनों को खतरनाक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, क्रॉस मैचिंग करना है, उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन लेवल 7 से कम है तो हम क्या करेंगे पैक सेल ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। क्लास को सेव करो, भी राइट आंसर क्या होगा सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि व्हाट इज द क्राउनिंग, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। क्राउनिंग जो हम कहां पढ़ते हैं, स्टेजेस लेबर मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम पढ़ते हैं, तो बताइए वहां पे कि क्या बोल रहे हो, के ए बी क्या, हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, के क्या था, बढ़िया बोल रहे हो। व्हाट इज द क्राउनिंग, क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन द हेड टच द पेल्विक रिंग, जब बच्चे का सर पेल्विक रिंग को टच करता है उसको बोलते हैं, व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर क्रॉस द इशियल स्पाइन, मैक्सिमम डायमीटर जब क्रॉस को अच्छा वह जब मैक्सिमम डायमीटर क्रॉस कर जाता है इशियल स्पाइन को तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेच द वल्वा आउटलेट विदाउट हेड एवर आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन। अच्छा जी, डी 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 क्यों आंसर्स कर रहे हो भाई, डी में क्या, ऑल ऑफ अबव, क्या ये सारी कंडीशन देखने को मिलते हैं क्या क्राउनिंग में, ध्यान से पढ़े एक बार क्वेश्चन, क्राउनिंग आर सीन इन द कप, जब मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेच द वल्वा आउटलेट विदाउट रिसेशन ऑफ द हेड एवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। देखो जब मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेच कर देता है, जब बच्चे का फेस बाहर आ जाता है, जब मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेच कर देता है वल्वा को, उसके बाद जब बच्चे का हेड भी कंप्रेशन नहीं होता, चाहे कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं लेकिन बच्चे का हेड वहां पे कोई कंप्रेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्राउनिंग। अच्छा जी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्राउनिंग, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो 0.5% जो हम क्या प्रिपेयर करते हैं क्लोरीन सॉल्यूशन, उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, किसके साथ यूजिंग करने के लिए बताइए, 30% ब्लीचिंग पाउडर को हम 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन के लिए, 10% या 20% या 40%, तो कितना परसेंट ब्लीचिंग पाउडर हम, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, ऐसे क्वेश्चन कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके, कम्युनिटी बेस्ड, तो क्लास में बने रहें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, बताइए बी सी, हाँ बढ़िया, 20 वाले पिटोगे मार खाओगे, सागर सी बोल रहा है, अरे 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं 10% ब्लीचिंग पाउडर के साथ, 10% ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसको क्या कर देते हैं भाई, मिक्स करके यूज करते हैं, 10% ब्लीचिंग पाउडर और 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं, राइट आंसर होगा बी, ज्योति गौतम ए नहीं, 30% तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, मानोगे क्या, एनाटोमिकल वेस्ट सच एज अ प्लेसेंटा बॉडी पार्ट एक्सेट्रा सेग्रीगेटेड इन द, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हाँ हाँ पीजे वालों को बैठा दो मैडम की क्लास देखने, तो जो प्लेसेंटा होता है बॉडी पार्ट होता है एक्सेट्रा, मतलब सारे जो एनाटोमिकल वेस्ट होते हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, जितना भी एनाटोमिकल वेस्ट होता है, टिश्यू होते हैं, ब्लड होता है, गोस्पीस होता है, ड्रेसिंग होता है, वेस्ट होता है, ब्लड होता है, सबको हम किस में डिस्कार्ड करते हैं भाई, सबको हम येलो बिन में डिस्कार्ड कर देते हैं, लैड बिन में तो हम प्लास्टिक डिस्कार्ड करते हैं मैम, प्लास्टिक जो जिसको हम रिसाइकिल कर
कर सकते हैं। रेड बिन में हम प्लास्टिक राधे राधे वही राधे राधे, ब्लैक में तो हम जनरल कूड़ा कचरा डाल देते हैं, जो हम चुपके हॉस्पिटल में कुरकुरे खाते हैं वो हम जनरल में फेंक देते हैं। व्हाइट में हम क्या डालते हैं, व्हाइट में मैम हम सार्फ डालते हैं, व्हाइट कंटेनर में मैम हम सार्फ को डिस्कार्ड करते हैं, ब्लू कार्ड बॉक्स में मैम हम क्या करते हैं, जो यूज की हुई जो वायल होती है, एम्पुल होती है मेडिसिन्स की, उनको हम कार्ड बॉक्स में डिस्कार्ड करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, येलो बिन में डाल देते हैं प्लेसेंटा को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द एडोलसेंट। बात कर रहे हैं एडोलसेंट्स की, क्या क्या बोल रहे भाई, रेड काला कचरा राइट, बस 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 बस, ज्यादा नहीं बस क्वेश्चन हो गया, पढ़ो जल्दी से बताइए कि द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द एडोलसेंट। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आज का नोटिस में पढ़ लेना, वहां पे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्री, मेडिकल सर्जिकल, ऑप्स गायनी, पीडियाट्रिक एंड सीएचएन, यहां से क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग पोर्शन के। जल्दी से शेयर करो क्लास को, बी बी बी। हाँ मुझे पता था यही आंसर आएगा, बात किसकी हो रही है, एडोलसेंट की। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछा भाई, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिप्रेशन किसमें आ जाते हैं आपके, अरे न्यूरोसिस, साइकोसिस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन। आप भी आंसर चेंज कर सकते हो, मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ पे क्या हो रहा है, उफ ये डिप्रेशन, उफ ये डिप्रेशन नहीं, उफ ये एंजाइटी, उफ ये डिप्रेशन नहीं, उफ ये एंजाइटी डिसऑर्डर, उफ ये एंजाइटी डिसऑर्डर, उफ ये डिप्रेशन नहीं, उफ ये एंजाइटी डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सीन इन द एडोलसेंट्स इज द। फिर बोलोगे कि मैम गलत हो गया, बट इतना बेसिक था हम पढ़ के नहीं गए, आप लगा क्या हो गए, पक्का डिप्रेशन लगा के आते। यहाँ पे राइट आंसर होगा एंजाइटी डिसऑर्डर, राइट आंसर ए। क्वेश्चन को छाप लो दिमाग में, पूछा जाएगा, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा क्लास। हाँ एंजाइटी, एंजाइटी हो रही है अंशु प्रजापति को, वही एग्जाम में एंजाइटी मत करना, बोले गलत मत भर के आना। अरे क्लास को लाइक करो, इतने बच्चे देख रहे हैं, कहीं आपको एंजाइटी हो गई, वहां पे आंसर तो आपने ए करा, एमआरसीट में आपने भर दिया डी। ये गलती ना करे, इस गलती का ध्यान रखे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे सारे बोले भर देना, 90 के 90 बोले भर के आ जाना, बट जिसका राइट आंसर ए हो उसको ए में फिल करना, डी में फिल मत कर देना, ठीक है। हाँ अरे बोले, आप बोले भरने हैं ओमार सीट पे, ए आंसर हो, कहीं डी का गोला भर के आओ, बी का गोला भर के आओ। हाँ ये चले ठीक है, राइट आंसर है 33 क्वेश्चन है हमारा, द करेंट एमएमआर ऑफ हरियाणा एंड इंडिया इज। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आप लोगों से कि करंट एमएमआर इन इंडिया एंड हरियाणा, पहले हरियाणा फिर इंडिया। अरे डिप्रेशन का क्या एक्सप्लेन करना है, डिप्रेशन भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो एंजाइटी होता है, डिप्रेशन अगर किसी पेशेंट में कंटिन्यू लो मूड प्रेजेंट है 2 वीक से ज्यादा तक, उस कंडीशन में हम पेशेंट को डायग्नोस कर देते हैं डिप्रेशन के लिए, ठीक है। बटका शाम को आ जाए, अच्छा क्या, अच्छा चले बताइए तो करंट एमएमआर क्या आंसर्स कर रहे हैं, सीसी आंसर्स कर रहे हैं, वाह वाह। एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हरियाणा का कितना है और इंडिया का कितना है, गूगल मत करना, गूगल मत करके आना, हरियाणा और इंडिया का बताना है। क्या बात है, क्या बात है, अरे बी, अरे पप्पू बी आंसर ना लगाए, अरे बाबू बी आंसर ना लगाए, पप्पू सोना बी आंसर ना लगाए, सही बोल रहे थे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा मैम, 91 तो किसका है, 91 हरियाणा का है मैम, और 113 किसका है, इंडिया का। भाई हरियाणा छोटा है तो कम मिलेगा, और 113 किसका है भाई, किसका है, इंडिया का। कितने पे होता है एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, 91 और 113, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, राइट आंसर होगा बिल्कुल हाँ 113 है तो फिर लगाओ ना, कोई आइडिया नहीं, चलो हमने बता दिया आइडिया नहीं है, राइट आंसर ये होगा। आप लिख लो नोटबुक में, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, और क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सारे अच्छे से लाइक करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल डोज ऑफ टैप मेजोप्रोस्टोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे ध्यान दे, हंसना नहीं है बिट्टू वनराज, किस चीज की हंसी आ रही है यार, पानी पी लो, चलो लो आपकी बात मान लेते हैं, अभी पानी पी लेते हैं, चलो
हाँ जी पप्पू है, चलो। अरे पप्पू सब यहाँ देखो, चलो बताइए भाई, व्हाट इज द टोटल डोज ऑफ टैब, किसकी टैब? मेजोप्रोस्टोल, मेजोप्रोस्टोल, प्रोस्टाग्लैंड, मेजोप्रोस्टोल की टैबलेट कितनी देते हैं, किसमें? प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए मेजोप्रोस्टोल की कितने टैबलेट देते हैं? सारी हंसी निकल जाएगी जब वहां बोले गलत भर के आओगे, पीजे रोहतक में सारी हंसी निकल जाएगी जब बोले गलत भर के आओगे। क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो और शांति से क्लास में पढ़ लो, वरना फिर देखो सिलेक्शन नहीं होएगा भाई, सिलेक्शन नहीं होगा। शांति से पढ़ो, जल्दी बताइए। हाँ 600 mg वाले जल्दी बताइए राइट आंसर, क्लास को और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। दो सौ कितनी? 200, 600, 200। अरे भाई साहब वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने तो। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिला, इतना सिंपल क्वेश्चन। मेजोप्रोस्टोल की ड्रग टू प्रिवेंट द पीपीएच, अब मार खाने के काम कर रहे हो, मार खाने के काम कर रहे हो, 400 माइक्रोग्राम देते हैं, 400 माइक्रोग्राम, अब मार खाने के काम कर रहे हो आप लोग। ये आंकड़ा और बढ़ा दो, ये 80 बच्चे जो क्लास देख रहे हैं ये तो लाइक कर दो क्लास को, कम से कम लाइक नहीं कर रहे इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्लास को लाइक करें। राइट आंसर होगा 400 माइक्रोग्राम देना है, 400 माइक्रोग्राम देना है, कितना? 400 माइक्रोग्राम डोज ऑफ मेजोप्रोस्टोल, क्वेश्चन पूछा जाएगा याद रखना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन होने वाला है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिटी का है, क्या है भाई क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन स्टोरेज कंडीशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट वैक्सीन स्टोरेज? तो कल की क्लास में हमने पूछा था, हाँ टोटल, अरे मेजोप्रोस्टोल 400 mg देते हैं टोटल नहीं, और प्रीवेंट करने के लिए सिल्फा वहां पे ये नहीं बोला कि पेशेंट को पीपीएच हो गया, प्रीवेंट करने के लिए 400 माइक्रोग्राम सफिशियंट होती है बच्चे, ज्यादा नहीं देनी वहां पे, प्रीवेंट पूछा था ना कि हो गया हो उसके बाद देनी है ट्रीटमेंट। नहीं विनीला, प्रीवेंट करने के लिए, अरे यार मतलब आप शब्द को देखते नहीं हो, शायद वर्ड यूज नहीं होता है, 400 एग्जैक्ट आंसर है। बताइए क्या होगा यहाँ पे, मीजल्स आर नॉट स्टेट, ये तो मैम आपने कल ही पढ़ाया था, ये टीजीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बात है मैम मौज कर दी आपने तो। मीजल्स शुड बी कैप्ट -20 degrees, तो भाई -20 पे होता है, बट हमें बाकी ऑप्शन भी पढ़ने हैं, आंसर पहले नहीं लगाना, साइड ले लोगे तो, अरे साइड देना मैम मैं कहाँ जाऊंगी, कौन पढ़ाएगा फिर, आप आ जाओ मैडम पढ़ाने के लिए। डीपीटी हेपेटाइटिस शुड बी कैप्ट 2 to 8 degrees Celsius, बिल्कुल सही बात है। डाइल्यूटेंट मस्ट बी नॉट बी फ्रोजन, डाइल्यूटेंट का मतलब मेडिसिन को जिसमें हम डाइल्यूट करते हैं उनको मत फ्रीज कर देना, कई एनएस को नॉर्मल स्लाइन को फ्रीज कर दो, किसके वैक्सीन के साथ, डीप फ्रीज में रख दो, नहीं भाई उसको फ्रीज करके नहीं रखना है। बीसीजी वैक्सीन कैन बी सेफली कैप 2 to 8 degrees Celsius, बिल्कुल रख सकते हैं, तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे मैम, मीजल शुड बी कैप -20 degrees Celsius किसके साथ, ओपीवी के साथ, मीजल्स को किसके साथ रखते हैं, ओपीवी के साथ। हाँ भाई परेशान मत करो, दीपिका कह रही है वरना पिटोगे आप दीपिका से, दीपिका दीपक बोल रहा है कि दीपक में से दीपक, हाँ दीपक पिटाई करो आप मैडम को परेशान करें, परेशान ना करें जो आपकी मीजल। अच्छा जी लो मैडम जी लो, आप ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन देखो, मीजल्स को हम किसके साथ रखते हैं, तो ओबीवी के साथ रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, 36 क्वेश्चन हमारा। ओपीवी मीजल्स बीसीजी, बीसीजी को नहीं रखते हैं, केके यादव इतनी ऐसी गलती ना करे, आज के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हैं, बिल्कुल अंशु प्रजापति ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे। केके यादव ओनली ओपीवी और मीजल्स को रखते हैं साथ में, ओपीवी और मीजल्स को, बीसीजी को नहीं रखते हैं। चलिए क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज आईवी सेट शुड बी डिस्कार्डेड टू द विच कलर ऑफ बीएमडब्ल्यू बिन, सो बताइए बीएमडब्ल्यू के कौन से बिन में, जल्दी आंसर्स करें यार जल्दी। आईवी सेट जो हम रोज यूज करते हैं नॉर्मली किसी भी पेशेंट को क्या दे देते हैं, एनएस चढ़ा दो, 500 बोतल एनएस चढ़ा दो,
वीकनेस लग रही है, कमजोरी आ रही है, एनएस चढ़ा दो, फ्लूड चढ़ा दो पेशेंट को, फ्लूड की कमी से। तो आईवी किसके लिए किसमें यूज करते हैं? अरे ये ब्लू वाले मार खाओगे क्या? सीसी आंसर्स कर रहे हो, मतलब हद कर दी आपने तो। मतलब बीएमडब्ल्यू में भी आईवी, जो आईवी क्या है, आईवी सेट को बीएमडब्ल्यू, अरे आईवी सेट को ब्लू में डालोगे तो रेड में क्या डालोगे? जब प्लास्टिक को कहां डालोगे? प्लास्टिक को रेड में डालना भाई, रेड में डालेंगे आईवी सेट को, जिससे हम आरएल और एनएस देते हैं ना पेशेंट में, उसको हम किस में डिस्कार्ड करते हैं? रेड बिन में डिस्कार्ड करते हैं। जब ब्लू में हम क्या डिस्कार्ड करते हैं? मेटल्स डिस्कार्ड करते हैं। ब्लू कार्ड बॉक्स में हम मेडिसिन के एम्पुल डिस्कार्ड करते हैं। तो राइट आंसर होगा रेड, हार्ट वाला रेड, हार्ट वाला रेड। चलिए सीवियर ज्वाइंटिस क्वेश्चन क्या है? सीवियर ज्वाइंटिस इन यंग इन्फेंट इज असिस्ट बाय चेकिंग इफ ही हैज सीवियर ज्वाइंटिस हो रहा है किसको? क्वेश्चन क्या है? हाँ बिल्कुल प्लास्टिक पे, पेशेंट को, बच्चे को क्या हो रहा है भाई? सीवियर ज्वाइंटिस हो रहा है, सीवियर ज्वाइंटिस है, ज्यादा ही ज्वाइंटिस हो गया, खतरनाक। इन यंग इन्फेंट, एक यंग इन्फेंट है, नौजवान इन्फेंट है, असिस्ट बाय द चेकिंग ही हैज। तो आप उसमें क्या चेक करोगे कि पेशेंट को आपको लगेगा सीवियर ज्वाइंटिस हो गया यंग इन्फेंट में? जल्दी से बता दीजिए आंसर। येलोविश चेस्ट, चेस्ट एंड अब्डोमेन, येलोविश सोल एंड पाम, या नर्व ऑफ अबाउ। तो मैम ये तो आपने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दे दिया, हम लाइन लगा देंगे करेक्ट आंसर की। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार जोरदार जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोगों के, क्या बात है। येलोविश सोल एंड पाम, येलोविश सोल एंड पाम हम चेक करेंगे। ब्लूइश येलोविश डिस्कलेशन देखने को मिलता है ज्वाइंटिस के कलर में, और सीवियर ज्वाइंटिस में हम पाम और सोल में देखेंगे कि बच्चे को येलोविश डिस्कलेशन, क्योंकि अनकंजुगेटेड ब्लूरोबिन का डिपोजिशन हो जाता है भाई, अनकंजुगेटेड ब्लूरोबिन का डिपोजिशन हो जाता है स्किन में, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंटिस। वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर क्या होगा? ए। सबका सिलेक्शन है पीजीआई में, सब पीजीआई में मिलेंगे। इफ यंग इन्फेंट हैज डायरिया एंड इज लिथार्जिक एंड हैज ए संकन आई, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, क्या है? एक यंग इन्फेंट है, फिर से आ गया यंग इन्फेंट, उसको डायरिया हो गया। ये यंग इन्फेंट में बहुत ज्वाइंटिस और डायरिया होता है, हाँ बिना पढ़े झुकेंगे नहीं, ये पीजीआई है, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं देगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं देगा, ये पीजीआई चंद्रोतक है, ठीक है बिना। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच मैडम जी। यंग इन्फेंट हैज डायरिया, एक यंग इन्फेंट है जिसको डायरिया है, एंड ही इज लिथार्जिक, वो थोड़ा सुस्त सुस्त फील कर रहा है बच्चा अपने आप को, एंड हैज ए संकन आईज, उसकी आई थोड़ी संकर हो गई है, और ही विल बी क्लासिफाइड एज ए पर IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यू चाइल्डहुड इलनेस, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रिवेंट करते हैं, प्रोमोट करते हैं। कल भी पढ़ा था डायरिया, मीजल्स और ARI से हम प्रिवेंट करते हैं डायरिया विद सीवर डिहाइड्रेशन। वेरी गुड भाई, मोज कर दिया आपने तो, कि बच्चे को क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है किसके साथ? एम्स मिल गए, अब किसी की ख्वाहिश नहीं, क्या बात है वनीला, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी दे देनी चाहिए आपको यहाँ पे तो। चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं मिला है वो तो जाएंगे पीजीआई रोहतक, फिर भी आप क्लास देख रहे हो, थैंक यू सो मच। चलिए फिर, बच्चे को क्या है, डायरिया के साथ सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, IMNCI के अकॉर्डिंग हम उसको किसी कैटेगरी में रखेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन में। वट डू यू मीन बाई AEFI, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी थी भाई, AEFI की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताइए AEFI की फुल फॉर्म क्या होगी? जल्दी बताइए, जल्दी ए क्लास को यार शेयर कर दो, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, जल्दी से बताइए कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एड आफ्टर इफेक्ट फॉलोइंग या एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, क्या आंसर कर रहे हो आप? सी आंसर कर रहे हो विनीला, कॉन्ग्रेचुलेशन। शायद आप हमारी क्लासेस में रहते थे पहले, नोट सेट की हर क्लास में रहते थे आप, चलो कोई नहीं। क्या आंसर कर रहे हो? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये इफेक्ट था। यहाँ पे हमारे प्रिंटर ने थोड़ी मिस्टेक कर दी, थोड़ी टेक्निकल टीम ने थोड़ी मिस्टेक कर दी, चलो कोई बात नहीं। तो दिस इज द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन,
कुछ एडवर्स इवेंट जो देखने को मिलते हैं जब हम किसी बच्चे को या किसी को इम्यूनाइजेशन के बाद जो हमारी बॉडी जो एडवर्स इवेंट होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं नहीं होने चाहिए उसको हम बोलते हैं एडवर्स इवेंट। हाँ यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ पे साइड इफेक्ट वाला इफेक्ट है, यहाँ पे इवेंट है, ये चेंज है, तो राइट आंसर सी लगा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, तो बताइए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एट ए प्रेजेंट, अभी आज के टाइम में कौन है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बताइए जल्दी। अरे मैम ये तो हमें बहुत ही पता है, मनसुख लाल मंडिया, अमित शाह और भाई टकले साहब, या फिर स्मृति ईरान या स्मृति निर्मला सीतारमण। अरे जल्दी से बताइए, विनीला कॉन्ग्रेचुलेशन को हो गया बस। अरे ये आंसर भी गलत करोगे तो पिटोगे, मनीषा बोल रही है बी, ज्योति भी बी बता रही है। अरे अरे हेल्थ मिनिस्टर का नहीं पता, अरे हेल्थ मिनिस्टर का नहीं पता, हेल्थ मिनिस्टर कौन है भाई, हेल्थ मिनिस्टर चेंज हो गया, आप हेल्थ मिनिस्टर हमारा चेंज हो गया है, मनसुख लाल मंडलिया है ये है, आप इसका चेहरा भी जाना पहचाना देख लेंगे, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बढ़िया, मौज कर दी आप लोगों ने, तो मौज कर दी, राइट आंसर ए। अगर हरियाणा का पूछ ले तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनका सुख, चलो हरियाणा का पेपर देने जा रहे हो, हरियाणा का हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ यहाँ पे, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जीके कमजोर कोई नहीं दीपक, वो भी हो जाएगी, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का बताओ जल्दी से, अरे बता दो हरियाणा का कौन है, फिर मुझे ही बताना है कौन है, कौन है, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, अरे ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ हरियाणा का कौन है, वेरी गुड वेरी गुड, सुमन का आंसर आया, अनिल विज, निशा हुडा, वेरी गुड, मौज कर दिया आपने, तो अमित शाह, अरे अमित शाह गृह मंत्री है, वो गृह मंत्री है अमित शाह, होम मिनिस्टर है अमित शाह, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमित शाह जी है, ओ वेरी गुड, कौन है भाई, अनिल विज, अनिल विज, अगर गृह मंत्री के, अनिल विज कहाँ के हैं, अंबाला, अंबाला से इसका नाता है और अनिल विज का, और अगर बात करें गृह मंत्री होम मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भी अनिल विज ये है, वेरी गुड, हाँ सब मोदी को ही बना दो सब कुछ आप लोगों का बस चले, तो चले फिर, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोलिंग द एपिलेप्टिक फिट, जल्दी से बताइए, सिंपल क्वेश्चन आ गया ओबीजी का, अच्छा जी वेरी गुड बहुत बढ़िया, चल पारस इल्मीना, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एपिलेप्टिक फिट, एपिलेप्टिक फिट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, अरे मैम ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ लिया और बहुत ही अच्छा पूछ लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, क्या होगा, हम इंजेक्शन लगा देंगे मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4 का इंजेक्शन लगा देंगे, अगर MgSO4 से अगर पेशेंट को MgSO4 की ऑटोटॉक्सिसिटी होगी तो हम क्या दे देंगे मैम, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे मैम हम, वेरी गुड शानदार बढ़िया मजा आ गया, मौज कर दी, सी आंसर होगा, अगर इसकी ऑटोटॉक्सिसिटी होगी तो मैम हम क्या दे देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, बढ़िया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है हमारा, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑल डिजीज, ध्यान रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या है पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑल डिजीज, अरे उस क्लास को शेयर करो भाई, रुक क्यों गए, रुकना नहीं है झुकना नहीं है, रुकना नहीं है झुकना नहीं है, चलते रहना है, जब तक गोल ना मिल जाए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक अरे रुक गए तो मंजिल मिलने का मजा क्या आएगा, चलते रहना है अपने पथ पे, तब तो मंजिल मिलने का मजा आएगा, जल्दी से बताइए, नहीं शाम चंदी तो, अरे बताओ बताओ, कैल्शियम ग्लूकोनेट ठीक है, वो तो आंसर बताइए कि पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑल डिजीज, किन किन डिजीज के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है, सी सी डिप्थीरिया पोलियो टिटनेस, अरे पोलियो भी करती है क्या, ये पोलियो वाले कहां से, डेली क्या होता है मैम, सिल्फा जी हमारा डेली टाइमिंग क्लास 6:30 होता है, साइड लो एक ज्योति लो यार, कितनी साइड चाहिए आप लोगों को, ये पोलियो वाले पिटेंगे, पेंटावेलेंट वैक्सीन में पोलियो को इंक्लूड कर रहे हैं, कहां से कम्युनिटी पढ़ के आ रहे हो, कम्युनिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके, पहले बता देती हूँ पीजीआई में, ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से पढ़ लेना, वेरी गुड बी होगा, वेरी गुड शानदार भाई जबरदस्त, मौज कर दी आप लोगों ने, तो क्लास को शेयर कर दो, दबा के लाइक कर दो, चलिए मजा आ गया, डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस,
हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, डिफ्थीरिया पर्टोसिस टिटनेस, डिफ्थीरिया पर्टोसिस टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, पेंटावेलेंट वैक्सीन डीपीटी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। याद रखना राइट आंसर होगा बी, वेरी गुड चले। तो ये था हमारा आज का लास्ट, सॉरी मैम ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं कोई नहीं, इट्स ओके, चलता है, अगली क्लास में ध्यान देना, पेपर में ध्यान देना, चलो कोई नहीं। तो आज के लिए हमारी क्लास थी शानदार जबरदस्त। तो कैसी लगी आज को आज की हमारी क्लास, आई होप आप लोगों ने बहुत मजा किया होगा, एंजॉय किया होगा। तो कल की क्लास देखना ना बोले, इससे भी ज्यादा शानदार जबरदस्त होने वाली है। और अगर पीजी रोहतक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पढ़ना है कमेंट कर सकते हो। तो राफेल के चक्कर में रोंग हो गया, अरे राफेल उड़ाना नहीं है, टू गुड क्लास मैम, मरियाना जीके की भी लगवा दो एक क्लास, सागर दुबेन बिल्कुल लगवा देंगे मैम, जल्दी खत्म हो गई, अरे जल्दी कहां, डेढ़ घंटे की क्लास थी, आप लेट आए थे के यादव जी, डीपीटी एपेटाइट इंफ्लुएंजा, हाँ बिल्कुल अंशु प्रजापति ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा क्लास लेने में ना, हाँ मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ में, सारे बच्चों को जानने में शानदार जगह से जिंदाबाद, बिल्कुल पूरे वन आवर भी नहीं हुआ। अच्छा जी मैम थोड़ा लेट हो गए थे, सॉरी कोई बात नहीं, आरती पांडे क्लास देख लेना, जबरदस्त क्लास थी मैम, अच्छा आग लगा दी मैम, बिल्कुल थैंक यू सो मच, चलो ठीक है, ऐसे ही आग लगानी है एग्जाम में भी, और पीजे रोहतक को दिखा देना है कि हम कहां से पढ़े थे, हम नर्सिंग एक्सपर्ट से पढ़े थे, जीएमसीएच का कैंसिल हो गया पहले, कंप्यूटर और हरियाणा जीके की भी एक क्लास लगाएंगे, डोंट वरी लगाऊंगे एक क्लास, दो घंटे की सुपर फास्ट क्लास लगाएंगे, एग्जाम से एक दो दिन पहले लगा देंगे, डोंट वरी। अरे शिल्पा दीपिका की दीपक को बाय कर रही है, शिल्पा क्या हो गया, शिल्पा ये लड़का है या लड़की है? और कोई भी डाउट आपको एग्जाम से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं क्लास में, चलो लुकिंग ब्यूटीफुल, अच्छा जी थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, अच्छा जी चलो फिर पढ़ते रहे और अपनी जान लगाते रहे, और पीजे रोहतक में आप सिलेक्शन ले, एक वीक है, आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करें और ज्यादा करवा देंगे हरियाणा जीके करवा देंगे, डोंट वरी, कॉमेंट कर देना जो भी चाहिए आप लोगों को, कमेंट कर देना क्लास के क्लास में जो चाहिए आपको पढ़ाना है, अरे क्लास को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस करे, कल की क्लास थोड़ी लंबी लेंगे, अच्छा गर्ल हो कोई बात नहीं, अरे फ्लर्ट ना करे यहाँ पे, एग्जाम के साथ लड़कों के साथ फ्लर्ट नहीं करना है ठीक है, अच्छा शिल्पा सिस्टर चलो फिर थैंक यू सो मच, मजाक नहीं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा फन एंटरटेनमेंट भी क्लास में जरूरी है और थोड़ा मोटिवेशन भी जरूरी है, अरे मोटिवेशन थॉट तो हमारा पीछे रह गया भाई, क्या करें, अच्छा मोटिवेशन थॉट देखिए हमारा आज का क्या था, हमने डिस्कस नहीं करा, अभी कभी बच्चे हैं डीएसएसबी की करवा देंगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख उड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, फरफर करने से कुछ नहीं होता, पंख उड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, चलो फिर, अच्छा जी चलो।